हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम जो है अपने गांव के खेतों से गुजर रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं अपने खेत। हाँ, वो भी पता होगा आजकल जो है मौसम जो है दोस्तों चल रहा है गेहूँ, मतलब आप लोग जो बोलते हो कि हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं गेहूँ तैयारी करना, ठीक है दोस्तों। तो वही जो है तैयारी हो चुका था, हम उसको वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो आपको दिखा पाएंगे हम कि तो इधर में देख सकते हैं ये जो है मकई का खेती नज़र आ रहा है, और इधर आपको हम दिखाएंगे अभी वीडियो में ये जो गेहूँ जो तैयारी करके जो उससे भूसा निकलता है, भूसा इस प्रकार कुछ दिखता है। देखते ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा भूसा है, देखिए जो कि खेत में तैयारी करके ही रख दिया है। ये किसी दूसरा का भूसा है, ये मेरा भूसा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना खेत, वहाँ पर जो है मेरा भूसा रखा हुआ, वो भी जो है जिसमें हम लोग कस के रखते हैं भूसा को, उसको बोलते हैं हम लोग भंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग तो भंगा बोलते हैं उसको। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग उसको क्या बोलते हैं। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो आपको हम दिखा पाएंगे कि भूसा जो कसता है वो किस प्रकार का होता है, और उसमें लगभग जो 1 क्विंटल 50 किलो तक भूसा आ जाता है एक भंगा के बीच में। तो चलिए दोस्तों, तो हम देखिए अभी खेत में पूरा का पूरा जो है खेत पे ही चल के जा रहे हैं। देखिए ये जो है इसको हम लोग बोल, देखिए ये जो है इस साइड दूसरा किसी का खेत है, और देखिए ये बीच में जो है ये हरा कलर का दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयर, ठीक है दोस्तों। तो आयर बोलते हैं उसको, और इस बगल में देखिए खेत है, देखिए जो हरा कलर है इस साइड जो खेत है, और इस साइड जो खेत है दूसरा का आदमी का खेत है। तो ये बीच में जो दिया हुआ जिसपे आदमी चल के, देखिए मैं चल रहा हूँ, देखिए मैं चल के अभी इसी पे जा रहा हूँ। तो इसको देखिए, जैसे मान के चलिए, अभी देखिए इस साइड जो हरा साइड के इस बगल में देखिए मकई लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरा, देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि बगल से जो है हरा कलर जो घूम के दिखाई दे रहा है उधर में। तो इस साइड देखिए ये जो है खेत जो है मतलब खाली हो चुका है, मतलब इसको जो मतलब ट्रैक्टर लेके जोतता है, इसको जोतना बोलते हैं, जोत चुका है। ये दूसरा किसी का खेत है, ये दूसरा किसी का खेत है। तो ये जो है हम लोग इसको आयर बोलते हैं, अपने मैथिली भाषा में इसको आयर बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो हम जो है इसी आयर पे चलते हुए जो है, देखिए इधर फिर यहाँ पर भूसा रखा हुआ, मैं अपने खेतों पर पहुँच जाऊँगा लगभग मैं 2 मिनट में। तो मैं उतना देर तक तो नहीं बना कर रखूँगा दोस्तों, लेकिन आपको बताता चलूँ कि हर एक कुछ। देखिए ये जो है मेरे गांव का नहर है, देखिए नहर के बगल में जो सरकारी जो है वृक्ष जो होता है, वृक्ष योजना के द्वारा वृक्ष जो लगाया जाता है पर्यावरण विभाग के द्वारा, देखिए पूरा का पूरा वृक्ष लगाया जा चुका है दोस्तों। देखिए ये जो है नहर में अभी पानी नहीं है, देख सकते हैं। तो अभी जो है नहर में पानी नहीं है इस बगल, देखते पूरा का पूरा जो है देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है देख सकते हैं कि वृक्ष लगाया और नहर के बगल जो नहर समतल बाहर हो चुके हैं। तो देखिए अभी चलते हम जा रहे हैं, देखिए दोस्तों शाम का समय हो चुका है, पूरा शाम हो गया है। लोग बोलता है ना भाई, किसानी भी करना उतना आसान नहीं है दोस्तों, किसानी करना भी सबके बस की बात नहीं है। देख सकते हैं आप कितना शाम हो चुका है, और देखिए तो अभी जो है थोड़ा शाम का समय, देखिए वहाँ पर भी देखिए कुछ लोग जो है आपको झूम करके हम दिखा रहे हैं कि इतना तो क्लियर नहीं आ रहा। देख सकते हैं आपकी जो उसमें जो है लोग ही है जो अभी तक जो है आदमी सब जो है काम कर रहा है, देख सकते हैं खेत के लिए। बस चलिए आपको एक चीज़ और दिखा पाएंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों वो है नहीं, तो फिलहाल हम जो है अपने खेत पे जो है पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये जो है इसके बगल में जो है देखिए मकई है, मकई के बगल में जो आपको दिख रहा है। तो आप लोग अपनी भाषा में बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है अपने मैथिली में या हिंदी में जो है इसको हम लोग बांस यानी बैम्बू, इंग्लिश में बैम्बू जिसको बोला जाता है। वही देखिए आप शाम का समय हो चुका, कितना कौवा जो है कौं कौं कर रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कौवा है,
इस प्रकार आप देख सकते हैं कौं कौं की आवाज़ आ रहा है इधर से। हम जो है फाइनली दोस्तों अपने खेत पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो है भूसा जो है कसा चुका है, इधर में देखिए कसा चुका है भूसा। तो देखिए आपको हम पहले ही बताए थे एक बोरा में जो है 50 किलो एक क्विंटल तक आता है। तो देखिए दोस्तों ये सब जो है भंगा, इसको हम लोग भंगा बोलते हैं। ये जो है दोस्तों ये जो जितना भी है ये सब देखिए, ये सब जितना भी है, जितना भी ये सब जो भरा हुआ है जितना भी है ये सब, इन सबको हम भंगा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सब भूसा बचा हुआ है अभी, अभी जो है लगभग होगा 5-6 भंगा और, तो ये जो है इसको भी हम भंगा में भरेंगे। तो दोस्तों तो देखिए शाम जो है पूरा शाम हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है शाम हो चुका है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस देहाती ब्लॉग में बने रहने के लिए, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा। अगर आप लोग भी देहात या गांव से या कहीं बिहार से भी कहीं से संबंध रखते हो तो दोस्तों हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।